प्यारे बच्चों, क्लास सीडी 3। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 16। सफ़ा नंबर 16 पर हमारे पास क्या दिया हुआ है? बे वाव की आवाज़ और लिखना सीखिए, रंग भरिए। बे वाव की आवाज़ लिखना सीखना है और रंग भरना है, ठीक है। बे को वाव के साथ मिलाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बे को वाव के साथ मिलाना है। बे वाव बो, तो पहले आपने इसके ऊपर हाथ फेरना है, बे वाव बो, फिर यहाँ पर आपने लिखना है बे वाव बो, बे वाव बो, बे वाव बो। ये दो मैंने आपको लिख के दिखा दिए, बाकी के दो आपने खुद से लिखने हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये हमें दिए हुए हिंट दी हुई है, मतलब मिलाने हैं, तीर के ज़रिए से निशान दिए हुए, हमने वो उन नुक्तों को मिलाना है। बे को ऐसे मिलाया, बे को वाव के साथ मिलाया, बे वाव, फिर इसको ऐसे वाव के साथ मिलाया, बे वाव बो। क्या दिया हुआ ये? बे वाव बो, बे वाव बो, बे वाव बो। फिर इसके नुक्ते को इस तरह से हमने मिला के लिखा, ठीक है। अब आ जाते हैं अल्फाज, पढ़िए और लिखिए। बोल, बोरी, बोर्ड, बोट, ठीक है। बोल लिखा, यहाँ पर भी बोल लिखना है, बोरी, फिर यहाँ पर भी बोरी लिखनी है, फिर बोर्ड, फिर यहाँ पर भी बोर्ड लिखना है, फिर बोट, फिर यहाँ पर भी बोर्ड लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये सारा काम आपने खुद से करना है। अब हम आते हैं जुमले, पढ़िए और लिखिए। अब आपने क्या करना है? जुमलों को पढ़ना है और लिखना है। ये बोरा है, ये एक जुमला है, यहाँ पर बोरा दिया हुआ है, ठीक है। ये बोरा है, ये बोरा है, बोरी दो, बोरी दो, ये भी इसी का ही है। बाबा बोल, बाबा बोल, वो बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड दिया हुआ है, वो बोर्ड है। ये जुमला आपने यहाँ पर आपने इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह से देखकर, जैसे मैं आपको लिखा हुआ दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने वीडियो में देखकर फिर खुद से लिखना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये सारा काम आपने सफ़ा नंबर 16 पे खुद से करना है।